तभी कहीं से धीमी सी पुकार आती है, मालू वे। नायक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। पहला सवाल तो ये, किसी ने मालू कहा है या कि भालू? और दूसरा सवाल, अगर मालू ही कहा है यानी प्रणय गाथा के नायक के नाम से संबोधित किया है, तो क्या संबोधन करने वाली लड़की अपने को इस मालू की राजूला मानकर ऐसा कह रही है, या कि यह भी एक प्रीतिकर व्यंग्य है नायक की प्रीति प्रताड़ित मनस्थिति पर? अब या की वाद से यथार्थवाद की ओर लौटता नायक पाता है कि जिस ठोर में ठिठक कर खड़ा हुआ हूं, उस ठोर गुसल खाने से निकली एक नाली है। पीछे सिसुण की बड़ी सी झाड़ी है, सामने गुसल खाने की अध खुली खिड़की, उसके धूल सने कांच और इनके बीच एक चेहरे का आभास मात्र। कोई नल जोर से खोल देता है, बाल्टी में भरता पानी आवाज करता है। एक क्षण को